बचपन से लेके बुढ़ापे तक की सारी बीमारियां निकाल दी। देखो जो मरीज है बेचारा चेयर पे बैठा, थोड़ी हेल्प कर देना उसकी, मैं ऊपर से मिट्टी डाल दूँ। आ रही हूँ। जय गुरु जी। पता आओ जी, आओ हम चले गए 205। अच्छा आओ जी, वेलकम। जगह के पूछ रहे हैं प्रिया अरोड़ा कहाँ है, तो कह रहे प्रिया अरोड़ा कोई रहती है यहाँ पे, तो उनकी वाइफ कहती है नीचे जाना है। अच्छा अच्छा, एक सेकंड भाई। हाँ तो आ गए हैं आपके जीजू भी, और ये रिचा, और ये अन्नू, और मेरा सुपुत्र किधर गया? ये तू जटायु क्यों बना हुआ है? और पार्थ भी आ गया। हाँ भाई, जो अभी नमस्ते हेलो हुई है उसकी रिकॉर्डिंग तो हुई नहीं, दोबारा से करो रीटेक। वो कहेगा मैं कब तक पैर छूता रहूंगा। अरे नहीं नहीं ठीक है, आ जाओ आ जाओ, आओ बी कंफर्टेबल, बैठो, मैं शिकंजी बना के ला रही हूँ। नारियल पानी? हाँ हाँ, वो मुझे घूर के देख रहे हैं कि मैं नारियल पानी लाया हूँ, नारियल पानी क्यों नहीं पिला रही? अरे पहले शिकंजी देती हूँ, फिर बीच में नारियल पानी भी पी लेंगे। हम पी रहे हैं नारियल पानी और शिकंजी। ये नारियल पानी वाले लोग हैं, ये हम शिकंजी वाले हैं। अनु हाय हाय, ये शिकंजी, और ये इधर आपके जीजू नारियल पानी है। कितनी बड़ी शिकंजी है ये मेरी जंबो शिकंजी। अभी देखना आसन छोटा ही आएगा, असली सुखासन वही है। वो एक रील चल रही थी ना, वो बहू अपनी सास से कहती है, सास ऊपर बैठी होती है तो कह रही है बहू कि मैं आपके साथ नहीं बैठूंगी, मैं यहाँ बैठ जाऊंगी नीचे, फिर अगर मैं यहाँ बैठ गई तो कह रही मैं गड्ढा खोद के बैठ जाऊंगी, फिर सास कहती है अगर मैं गड्ढे में बैठ गई तो कह रही मैं ऊपर से मिट्टी डाल दूंगी। सही था वो मस्त जोक तो मैंने मारा था सुबह तुम्हारा। मैं उससे बोल दू ऐसे मजाक, मैंने कहा तो मैं पता है ना कैसे वो टेंशन ले लेगी। हाँ अच्छा, ये वैसे ही मेरे को सुबह से बोले जा रही है सिर्फ राजमा चावल बनाना, थक मत जाना। कह रही तो कोई नहीं ना मजाक, मैंने कहा बाद में ना मजाक खोल देना, उसका बीपी ना बढ़ जाएगा। तो इसीलिए कह रहे थे ठीक है। मैं मैंने जैसे ही पढ़ा, ये मुझे मैसेज करके कह रही है कि प्रिया ना सुबह से साफ सफाई और ये सारी चीजें करके थक गई है। मैंने रिचा को ये बोला था सुबह, मतलब मैसेज भेजा ऑडियो, मैं लिख रहा था ना उसमें इम्पैक्ट नहीं आ रहा था, तो मैंने ऑडियो मैसेज भेजा, रुक रुक के बोला, बीच में मुझे हंसी भी आ रही थी, मैं कंट्रोल कर रहा था। तो मैंने बोला रिचा प्रिया की ना तबीयत खराब हो गई है, सुबह से काम पे लगी हुई है वो, हमारे पास तो दोपहर को खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तुम जल्दी आ सकती है, थोड़ी हेल्प कर देना उसकी। मेरे को बोल रहे हैं, मैं रिचा को बोलता हूँ कि सब्जी वब्जी कटी हुई है आ जा और बना ले बहन, उसकी तो हालत खराब है। मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो, वो पहले ही बोले जा रही है बस राजमा चावल बनाना। मैंने कहा मम्मी अन्नू तो जब आएगी तब आएगी, मुझे ना जाना पड़ेगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अभी रेडी हो जाती हूँ। इतने में फिर तेरा मैसेज आ गया कि ये मजाक कर रहे हैं। और क्या मैंने बोला था, मैं वो सीरियस हो जाएगा। अच्छा आ गया था इसका मैसेज। अरे ठीक है यार, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे व्लॉग्स में नहीं देखते हो, सारा दिन खाना नहीं बनता क्या? तो वो तो करना है, तुम नहीं आओगे तो भी खाना बन ही रहे ना, तो साथ में खाना खा लेंगे, इसमें क्या है। बल्कि मुझे अच्छा लगा, 2 साल हो गए ना कोविड के, कोई गेस्ट आना जाना लोगों के बंद हो रखा है, कब से ना हम अपने रिश्तेदारों से मिले ना आए गए। देखो जो मरीज है बेचारा चेयर पे बैठा है। ये मोहित के है शौक, कोविड में जा नहीं पाते थे ना, कोरोना टाइम में जिम विम तो इन्होंने ले लू के रख लिया सब, अब ये ऐसे ही पड़ा रहता है। क्या है गाइस, राइस, राजमा, अरे शक्ल तो दिखा दे, कुकड़ चिकन, एंड दिस इज कढ़ाई पनीर एंड दही भले एंड द स्माइल ऑन माय फ्रेंड्स फेस, अनु, रिचा, जीजू, पार्थू,
अन्नपूर्णा माता की। गाइस प्लीज हैव इट नाउ। एएसएमआर स्टार्ट करो। चलो बैठो, मासी को बिठा पास और तू सबको सर्व कर। और भाई बहनों सब ठीक है? हमने रिश्ते में छुपा दिए सैंडल। सैंडल? हाँ, वो तभी मिलेंगे जब ये हमें वो सैंडल छुपाई के पहले देगी। नेग दो भाई नेग। बताओ सालियाँ जीजों के छुपाती है, जीजे ने साली के चप्पल छुपा दिए। वाह कलयुग, ये कलयुग जीजा है, कलयुग जीजा ऐसे दिखते हैं। देखो हम उस टाइम का बदला ले रहे हैं अब सब से। अच्छा उस टाइम तो बेचारी आई भी नहीं थी, उसने छुपाए भी नहीं तुम्हारे। अब क्या करें, अपनी गलती है। गाइज मेरा मुखड़ा भी देख लो, मैं तो पीछे बिहाइंड द सीन ही बोलती रहती हूँ। हमारे मटके दिखा दिया, अपना मुखड़ा दिखा दिया। लो मेरा मटका देख लो, मेरा मटका रहा ही नहीं योग्राम में जाके। माय गॉड, बिना करने से होगा, करने से हो गया। आ भी गया हुआ है नीचे को, बता दी तुमने जो पकड़ लिया है? नहीं नहीं, अरे तुम्हारे जीजू के पेट में कोई बात नहीं बचती, थोड़ा सा सरप्राइज रहने दो। मैं ये कह रहा था कि तुमने रिचा को बताया आज पोपट क्या हुई है तुम्हारा? नहीं बताया था, पर अब तुम बता दो। प्रिया ने ना एक केक ऑर्डर किया, okay. उस पे लिखवाया योगा से ही होगा। अच्छा, okay. और वो यहाँ जो केक दे के गया है वो किसी और का केक इनको दे गया, उस पे लिखा हुआ हैप्पी बर्थडे राखी। राखी और राखी का क्या हो रहा होगा? और राखी को मैं यही बोल रही, मैं राखी सोच रही होगी फर्न एंड पैटर्न्स वाले मुझे ये मैसेज देना चाहते हैं कि योगा से ही होगा। बता क्यों मैं वो तो हो सकता उसके हस्बैंड ने बनाया। कह रहे मोहित हो सकता है उसके हस्बैंड ने ऑर्डर किया हो, अब वो देखेगी तो हस्बैंड ने योगा से ही होगा भेजा है। योग्राम में ना इनके ट्रीटमेंट ही नहीं खत्म होते थे। पता क्या हुआ, क्या क्यों हुआ इनके साथ ऐसा? डॉक्टर के पास बैठे बचपन से लेके बुढ़ापे तक की सारी बीमारियां। साली इस उम्मीद में आई थी कि जीजा जी पर्स भरेंगे। जीजा जी ने सैंडल छुपा दिए। कहाँ छुपाए तुमने? ये क्या बात है, छुपा दो भाई। तुम्हें पता है ना तुम्हारी बीवी के भी सैंडल है घर में, वो मेरा पहन के चली जाएगी, उसको क्या फर्क पड़ता है? आगे तो मैं बैठा ना, कहाँ से निकालेगी? और ये है हमारा केक, योगा से ही होगा। लेकिन योगा से ही होगा कहाँ चला गया पता नहीं। ये देखो चॉकलेट ट्रफल। ओह माय गॉड, कैलरी ट्रफल। ये इधर फोकस कर बेटा, गौर से देखो इन्हें। एक बार रुक जाओ, योगा से ही होगा। ये तो ऑन द स्पॉट गाना बना दिया गया है। अब पार्ट मिलेगा, व्हाट अ क्रिंज मॉम। लाओ किसको योगा कराना है, हाउ क्रिंज। देखो योगा कराना है, हमारी योगा टीचर के हाथों हम कैलोरी भरा केक खाने वाले हैं। इससे बड़ी उपलब्धि कोई हो सकती है? इसको खा रही है, इसको खा के खुद योगा करना पड़ेगा ना। अरे ये देखो गाइस, योगा से ही होगा, योगा से ही होगा। जीजू को खिला भी देखो। लो ले जीजू। मेरे भी तो मुंह में पानी आ रहा है। ये पार्ट का फेवरेट चॉकलेट ट्रूफल। ये मेरी सुंदर सुंदर फ्रेंड्स अब जा रही हैं हमें छोड़ के। देखो कितनी प्यारी लग रही हैं, इनका थोड़ा थोड़ा सा टचअप कर दिया मैंने। ब्लश हाइलाइटर हल्का हल्का सा। यस राइट, मेरा मुंह पिछले कर दूं मार मार के। नहीं हमेशा मेरे हाथ में कैमरा होता है। चलो अब दिख रहे हैं सब? हाँ दिख रहे हैं। ठीक है, चलो। हमने बहुत अच्छा अच्छा खाना खाया, प्रिया दी बहुत अच्छा खाना बनाती है। थैंक यू, तो आप इनकी रेसिपीज फॉलो करना। मैंने नीचे चाकू रखा हुआ है बोलने के लिए। हाँ बिल्कुल, डर के मारे बोला मैंने। ये आपको सिर्फ युवा ज्ञान दे सकती हैं। तो आपको खाना कैसा लगा? खाना बहुत ही डिलीशियस था, बहुत ही। आज मैंने डबल क्या ट्रिपल खा लिया है और बहुत ही अच्छा बनाया था। और जो आपने केक खिलाया वो अमेजिंग था, चाय भी बहुत मस्त थी, बहुत ही आज का यू नो जो मेरा चीट डे था वो बहुत ही यादगार और बहुत ही अच्छा था। थैंक यू सो मच। सो गाइस बाय बाय, टाइम बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।
थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग एंड वी लव यू। आते रहना, हम और व्लॉग्स और रील्स साथ में बनाएंगे।